नमस्कार दोस्तों, जय एडवांस के इस वीडियो में मैं आज जो टॉपिक ले रहा हूं वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट जनरल पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, यानी किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस रॉड की वजह से कैसे निकाल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने रॉड की एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको बताया था, ये एक्सियल पॉइंट था, और इस रॉड की फील्ड यहां पे कैसे निकाली जाएगी वो मैंने आपको बताया था। अब ये जो पॉइंट है ये जनरल पॉइंट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल लाइन है आर डिस्टेंस पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। एक स्मॉल एलिमेंट लेकर के इसकी फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये एक्स डिस्टेंस पे है, डी एक्स इसकी इस लेंथ की एलिमेंट, इस एलिमेंट की लेंथ है और डी क्यू चार्ज है, और फिर डी ई के कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, ये एंगल थीटा वन है, ये एंगल थीटा टू है, ये एंगल थीटा है, तो इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करके एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इंटीग्रेट करके माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू तक इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो ex और ey की वैल्यू ये आ जाएगी, ex आ जाएगा k lambda by r cos theta 2 minus cos theta 1, ey आ जाएगा k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2, lambda यहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो इस डेरिवेशन में लगभग डेढ़ से दो पेज की डेरिवेशन होगी और उसके बाद ये वैल्यूज आएंगी। यहां पे मैं ये फार्मूला केवल लिख दे रहा हूं आपको और इस पर क्वेश्चंस करा रहा हूं, बाद में फिर इस डेरिवेशन को भी आपको मैं बता दूंगा। तो EX और EY अगर आ गया और इनके बीच एंगल अगर 90 है तो इस जनरल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। तो अब इस कॉन्सेप्ट पर मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 क्वेश्चन मैं पहले 1 टू 18 डिस्कस कर चुका हूं फील्ड का। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग रॉड हैज चार्ज स्मॉल क्यू लेंथ कैपिटल एल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉर्मल बाइसेक्टर पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द रॉड इज। मतलब ये है कि लॉन्ग रॉड है, जैसे यहां पे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये एक लॉन्ग रॉड है, लॉन्ग रॉड का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड, ये रॉड है, इसकी ये लॉन्ग रॉड है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो अब इस केस में ये एंगल थीटा वन है और ये एंगल थीटा टू है, और अगर ये रॉड इधर बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी तक जाएगा तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम 90 हो जाएगा, यानी कि ये रॉड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा और फाइनली ये एंगल 90 हो जाएगा, यानी थीटा वन की वैल्यू 90 हो जाएगी इनफाइनाइट। अगर रॉड इधर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो थीटा टू की वैल्यू भी 90 हो जाएगी, ये जैसे जैसे रॉड बढ़ेगा वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ता जाएगा और फाइनल एंगल 90 हो जाएगा अगर ये रॉड इनफाइनाइट लेंथ की होगी। तो यानी थीटा वन और थीटा टू दोनों 90 है, ये दोनों वैल्यू यहां पे रखेंगे, EX इस वैल्यू में पुट करेंगे तो k lambda by r cos theta 2, cos theta 2 means pi by 2 minus cos theta 1 cos pi by 2, ये कैंसिल हो गया तो ये जीरो आ गया। इसी तरह से EY निकालना है तो k lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2, यानी sin pi by 2 plus sin pi by 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा small k lambda by 2 lambda k by r sin 91, तो 2 lambda k by r। अब EX और EY की वैल्यू यहां पे इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, EX चूंकि जीरो है तो EY बाहर आ गया, EY की वैल्यू 2 lambda k by r है और k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये वैल्यू रख देंगे यहां पे तो ये लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे इस इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए। अब अगर
इसी क्वेश्चन का एक स्पेशल केस कंसीडर करें कि रॉड जो है वो सेमी इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट रॉड नहीं है, सेमी इनफाइनाइट रॉड है, तो इस रॉड के एक एंड पे पॉइंट लाई कर रहा और इस ये जो रॉड है एक्सटेंडेड अप टू इनफिनिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा वन एंगल पाई बाय टू होगा और थीटा टू, ये रॉड नीचे प्रेजेंट नहीं है तो थीटा टू एंगल जीरो होगा, तो थीटा वन पाई बाय टू, थीटा टू जीरो लेकर के करेंगे या इस फार्मूले में रखेंगे तो के लैम्डा बाई आर कॉस जीरो माइनस कॉस पाई बाई टू, कॉस जीरो की वैल्यू वन और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, तो माइनस तो यहां पे ये वैल्यू आ जाएगी कॉस कॉस जीरो इज वन एंड कॉस नाइनटी इज जीरो, तो ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, ये वन, तो इस तरह से ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। अब अगर ही वाई लें तो के लैम्डा बाई आर साइन जीरो प्लस साइन नाइनटी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो है, साइन नाइनटी की वैल्यू वन है, तो ये वैल्यू भी के लैम्डा बाई आर आ जाएगी और ये एक्स और ई वाई की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेट फील्ड आ जाएगी अंडर रूट टी एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दोनों सेम है तो के लैम्डा बाई आर रूट से बाहर आ जाएगा अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू के लैम्डा बाई आर और के की वैल्यू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहां लैम्डा रूट टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये आंसर जो हो जाएगा वो सेमी इनफाइनाइट रॉड के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए। अब बच्चों एक बार फिर से मैं ये दोहराना चाहूंगा कि ट्यूसडे 11th ऑफ जून से इस मंथ में मैं लाइव क्लास 11th की स्टार्ट कर रहा हूं यूनिट मेजरमेंट चैप्टर से, और उसके बाद के सारे चैप्टर्स उसके बाद होते जाएंगे, एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करके मैं अपग्रेड करता जाऊंगा हर टॉपिक को अप टू जेई और नीट लेवल, तो आप अपने फ्रेंड्स को मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। टाइमिंग है 7 से 8:30 इवनिंग में, 7 से 8:30। थैंक यू बच्चों।